नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देवास में आज मंगलवार को वार्ड क्रमांक 42 के पार्षद श्याम पटेल ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि हमारे यहां का जो दरोगा है वह किसी की नहीं सुनते हैं। सफाई कार्य को लेकर जब उनसे बात की जाती है तो वह कहते हैं मेरा ट्रांसफर करवा दो। ऐसे में मेरे वार्ड की जनता गंदगी से काफी परेशान हो चुकी है और हम मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हो चुके हैं। इसको लेकर यहाँ पर इस प्रकार का प्रदर्शन किया है। साथ ही पार्षद दीपेश कानूनगो ने कहा कि अगर समस्या का समाधान समय पर नहीं किया गया तो हम कांग्रेस पार्षदों द्वारा वार्ड 42 के पार्षद श्याम पटेल के समर्थन में प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि वार्ड 42 के पार्षद ने निगम आयुक्त रजनीश कसीरा से चर्चा करते हुए समय अचानक अपनी शर्ट उतार दी और अर्धनग्न अवस्था में आ गए। निगम आयुक्त रजनीश कसीरा का कहना था कि उनके द्वारा जो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है वह अशोभनीय है। उनकी बातें सुन ली गई थी और दरोगा को बदलने की बात भी अधिकारियों से कर ली गई थी, पर जिस तरह से उन्होंने कपड़े उतार का प्रदर्शन किया वह अशोभनीय है। देवास से न्यूज 69 के लिए अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। हम महात्मा गांधी के देश में महात्मा गांधी के तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन था। हमारा वार्ड में दरोगा, सफाई दरोगा जो है वो काम नहीं करता है। उसको ड्यूटी पे काम जब आता है तो काम रोकने के लिए आता है, ना कि काम करने के लिए। नालियों का पानी पूरे रोड पर आता है, नालियां पूरी भरी पड़ी है, कीचड़ पूरे वार्ड में, गाजर घास और घास नालियों पर, एक भी नालियां साफ सुथरी नहीं है वार्ड की। और उसको कहते हैं कि काम कीजिए तो काम के लिए बोलता है कि हमारा ट्रांसफर करा दीजिए। और ट्रांसफर भी 3 बार हो चुका है, 3 बार के समथिंग हो चुका है। और 3 बार होने के बाद भी उसको वापस भेज दिया जाता है दरोगा को। क्या कारण है, दरोगा से क्या मीठा है? कमिश्नर महोदय ये बताइए कि उससे क्या मीठा है आपको कि आप बार बार उसी दरोगा को वहाँ पर भेजते हैं, किसी दीपक सांगते। और वार्ड की सफाई के बद से बदतर हालात है। लोग और हम सभी लोग वहाँ पर फिजिकली, मेंटली और हेल्थी सब तरफ से परेशान हो चुके हैं और उस दरोगा का ट्रांसफर किया जाए। निगम आयुक्त महोदय ने कहा है कि हम आजकल में कर देते हैं ट्रांसफर। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं फिजिकली, मेंटली और हेल्थी सब तरफ से। सफाई की दुर्व्यवस्था हो चुकी है वहाँ पर, इतने बुरे हालात है कि अब हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं उस दरोगा से। अभी कमिश्नर साहब ने यहाँ पर बोला है कि 2 या 3 दिन में इनकी समस्या का हल हो जाएगा, और इनकी समस्या का हल नहीं होता है तो जैसा कमिश्नर साहब ने बोला कि अशोभनीय कार्य किया है, तो हम सारे पार्षद बनियान में बैठेंगे और ये अशोभनीय कार्य करेंगे हम, क्योंकि ये इनकी समस्या का हल होना चाहिए। और कमिश्नर महोदय, मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सा अशोभनीय कार्य है कि पूरे वार्ड को दलदल में धकेल दिया गया है, वहाँ की सफाई बिल्कुल भी नहीं होती है। आपका परिचय? श्याम पटेल, पार्षद, वार्ड नंबर 42। वार्ड 42 के जो पार्षद है, वाइस है श्याम पटेल, उनकी ये मांग थी कि उनके वार्ड का दरोगा बदला जाए। उनके वार्ड के दरोगा पहले 2 बार बदल चुके हैं, लेकिन दरोगा पुनः जो है अपनी स्थिति पर पहुंच जाता था। अब उनका केवल ये मांग था कि उनके वहाँ का जो दूसरा दरोगा आया था वही दरोगा उनको वापस दिया जाए। तो हमारा वही कहना था कि हम दरोगा दूसरा पहुँचा देंगे, लेकिन ये इनका बार बार कहना था कि मुझे वही दरोगा वापस मिले। वही दरोगा वापस मिलने के पीछे कारण मुझे समझ में नहीं आया कि वही दरोगा क्यों चाहिए उनको। मुझे ये भी मेरी प्रशासनिक व्यवस्था बनानी है, यदि ये एक दरोगा काम नहीं कर रहा है तो मैं दूसरा दरोगा दे दूंगा। लेकिन वही इसी बात को लेकर एनामेंट थे, वही बात करके उचित थे। मुझे जहाँ तक लगता है कि उनकी पूर्व नियोजित सारी CS थी वहाँ पर, उसमें शर्ट वर्ट उतारना इनका ये बड़ा अशोभनीय कृत्य था जिसकी मैं निंदा करता हूँ। बात करने के अपने तरीके होते हैं, बात शांतिपूर्वक हो रही थी तो इसमें शर्ट उतारने की क्या बात हुई, मुझे ये समझ में नहीं आई। सर आगे क्या कुछ कार्रवाई? जो दरोगा है दरोगा काम नहीं कर रहा है तो हम चेंज करते हैं। हर जगह से शिकायत आती है दरोगा की, नहीं करते हैं। होता है कि कई दरोगा की जनप्रतिनिधि से बनती नहीं है या बातचीत नहीं होती है, वो सारे कारण होते हैं। एक ही कारण एक पहलू के पीछे नहीं होता है, हर कारण होते हैं। उसमें क्या चीज़ होती है ये देखना चाह रहे हैं, लेकिन ये इस प्रकार से झुंड ला के अपनी पूर्व नियोजित हरकत करना बड़ा अशोभनीय है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।